तो सबसे पहले हम वेलकम करने जा रहे हैं काशिफ को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भाई। आज तो हमारा जो कंपटीशन है बड़े मजे का होने इसलिए भी जा रहा है क्योंकि काशिफ एक बहुत ही मुश्किल टास्क लेकर आए हैं। वैसे म्यूटेशंस के लिए मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा मजेदार मुझे लगता है। आज फर्स्ट डे ना टास्क थोड़ा सा वैसे इजी है। और एक तो शफीक वाला पार्ट है ना, फॉरन वो आगे आ जाता है काजू का ना, ही इज वेरी लीनिएंट। हां एक्चुअली पता है बात क्या है कि जितने भी मेरे ख्याल में ऑब्वियसली यहां जितने भी ब्यूटिशियंस हैं ये सब ऑलरेडी आई एम श्योर कि मुझे फॉलो करते होंगे, मुझे सारी चीजें इनको पता है। तो काफी सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू काफी सारी चीजें रिवील कर दी है और उनको काफी सारे मेरी जो मेरे ख्याल में टैक्टिक्स वगैरह वो सारी इनको समझ में आ चुकी है। तो आई एम श्योर ये भी काफी हद तक ये प्रिपेयर्ड होंगे। बिल्कुल चले देखते हैं जी कि प्रिपेयर्ड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि देखिए आज हमारे साथ पांच ब्यूटिशियन मौजूद हैं, इनमें से दो अपने घर चले जाएंगी, कल फिर हमारे साथ पांच और ब्यूटिशियन होंगी, उनमें से फिर दो एलिमिनेट हो जाएंगे और ऐसे ही ये सिलसिला जो है ये पूरे हफ्ते जो है वो जारी रहेगा। हमारी जो आज की दूसरी गेस्ट है बड़ी लाइक शी इज सो वैविशियस, फुल ऑफ लाइफ, बड़ी प्यारी एक्ट्रेस भी है, बड़ी जबरदस्त मॉडल भी, और काशी को तो हम अक्सर देखा है कि बड़ी प्यारी वो दुल्हन भी बन चुकी है, उनको खुद भी मेकअप करवा करवा के मेकअप का आइडिया हो गया। काशिफ की मॉडल लोग उनको ज्यादातर बोलते हैं, लेकिन हम कहेंगे हमारी बहुत ही प्यारी बनीता। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मधिया? मैं बिल्कुल बनीता, ये कहाँ से कहाँ गायब हो गई थी, कहाँ से निकल के आ रही हो, कौन से कोने में चली गई थी, क्या हो गया? आपके छुपा दिया भाई ने, बक्से में बंद कर दिया। बस यार बड़ी ही दास्तान है, मैं क्या सुनाऊं पूरी आवाम को, लेकिन ये कि शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई थी, फिर माशाल्लाह से बेटा, फिर ससुराल, सोचा कि थोड़ा सा अपनी फैमिली को टाइम दूं, और अब जो है वो मैं दोबारा से कमबैक किया है। काशिफ अक्सर मुझे अपनी मास्टर क्लासेस में बुलाते हैं एज अ होस्ट, तो मेरी जबरदस्ती मास्टर क्लास की है और वो बनीता ने उसको पूरा होस्ट किया था, और अभी इंशाल्लाह भी हमारी जो है लाहौर में है, तो उसके लिए भी बैक स्टेज पर जो है ना अभी डिस्कशन चल रही थी। ये देखिए, अच्छा जी चलिए, इनकी डिस्कशन तो जारी रहेगी ब्रेक में भी। जो हमारे यहाँ पे मौजूद है तकरीबन पांच ब्यूटिशियन, तो काशिफ सबसे पहले मुझे बता दें उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं इन सबको एक बड़ी स्पेशल बात और एक मैसेज और एक बहुत मेरे ख्याल में बड़ी जबरदस्ती मोटिवेशन है, वो ये है कि मेरे हिसाब से ऑब्वियसली एक ही विनर होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तमाम कंटेस्टेंट हैं इस पूरे वीक में जितने भी होंगे वो सारे विनर हैं, क्योंकि एक डिसीजन लेना ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको एक स्ट्रेस होता है, एक एंजाइटी होती है। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का, मैंने खुद भी जब अपना करियर स्टार्ट किया था, अपना सलून स्टार्ट किया था, मैंने भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन किया था और फाइनली मैंने वो विन किया था। तो आई एम श्योर कि इन सब के जो कारोबार बिजनेस सारे इस कॉम्पिटिशन के हमारी कोशिश तो यही है। अच्छा खैर, जितने भी यहाँ पे मॉडल्स हैं उन्होंने काशिफ के ही जो है वो डिजाइन करता कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा जी, मैं चाहूंगी काशिफ और बनीता बाके बैठ जाइए। मैं जरा आपको बता दूं जनाब कि हमारे साथ आज हैं पांच यहाँ पर कंटेस्टेंट, पांच सैलून से हमारे साथ मौजूद हैं पांच ब्यूटिशियन। पहली ब्यूटिशियन है, उनका नाम है सदफ रिजवान। ये है जनाब सदफ रिजवान, एसआर ब्यूटी पार्लर से, बदर कमर्शियल और पीआईडीसी में इनकी ब्रांच है। हमारी जो आज की दूसरी कंटेस्टेंट है ये है मुस्कान, मुस्कान ब्यूटी सैलून इनका है जो कि कोरंगी में है। ये इतनी प्यारी बात मुस्कान ने की, मुस्कान जरा मुझे इसका बैकग्राउंड तो बताएं, आपने कहा कि छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हैं। लोग बोलते हैं ना तो फिर ऐसा होता है, और बहुत अपने जो बिल्कुल करीबी होते हैं वो बोलते हैं इस तरीके की बात, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आप लोग तीन बहने हो, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ अभी आप काम कर रही हो? नहीं नहीं, मेरी तीनों बहनें काम करती हैं माशाल्लाह। मेरी जो छोटी बहन है वो 11 इयर्स की, और माशाल्लाह वो ब्राइड्स करती है। वो भी ब्राइड्स करती है, तो घर वालों को सपोर्ट करने के लिए आप तमाम बहनें जो हैं वो माशाल्लाह से वो सैलून में काम करती हैं, और उसका ना पढ़ भी रहे हो? जी साथ साथ। और आप क्या पढ़े? अच्छा साथ में बीए कर रहे हो जी। और हमारी आज की जो तीसरी ब्यूटिशियन है ये है अमरीन, और ये तस्बी सैलून जो है ये चलाती हैं, और कोरंगी में इनका सैलून है। चले जी, बड़ी जबरदस्त बात है। और ये इनके जो हस्बैंड हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपना सैलून जो वो खोला। मुझे बताएं आपके इन लॉज ने आपको कितना सपोर्ट किया जब आप शुरू करें? बहुत ज्यादा किया, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे जब से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, और जो है हस्बैंड की तो जॉब ही नहीं है, तो मतलब मेरे ही सैलून से जो कुछ भी है मैं रेंट के किराए घर के पूरा घर आप ठीक है। आपके सास ससुर ने आपको कितना सपोर्ट किया? जी अच्छा, मैं देख रही थी दरमियान में काशिफ की पिक्चर भी, तो आपने इनसे कोर्स भी लिया? जी, सर मैंने प्रॉपर मेकअप सिखा हुआ है, तभी कह रही ना कि जो मेरी आंखों का मेकअप है ना वो बड़ा जबरदस्त होता है, दूर से देखते हैं
फिर जजमेंट सख्त होगी जो ज्यादा आता है ना यहाँ पे, ऑफ कोर्स जितना बड़ा आर्टिस्ट होगा फिर उसकी जरा ज्यादा सर्जनिश होती है। अच्छा जी, जो आज की चौथी कंटेस्टेंट है ये है महरीन, और ये नाइस ब्यूटी पार्लर से है और मलीर में इनका ब्यूटी पार्लर है। बात है जी महरीन की, आपने आई मेकअप भी देख लिया कितना जबरदस्त करती है। महरीन आपने बताया कि आपकी बेटियां हैं, कितनी छोटी आपकी बेटियां हैं? मेरी बेटी एक 14 साल की है, एक 13 साल की, एक 10 साल की। क्या चाहती हैं आपकी बेटियां बड़ियों की क्या बने? हाँ, मैं बस चाहती हूँ कि वो कुछ एजुकेटेड हों और कुछ ना कुछ करके कुछ दिखाएं। मुझे बस ये एम है जो मैं खड़ी हुई हूँ कि बस मेरी बेटियाँ कुछ ना कुछ बने। मेरे पास अब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, मैंने अपने जहेज का डिवाइडर लेके उसमें चीज़ें सेट की हुई हैं, बस एक मिरर है और एक चेयर है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नहीं पता मैं इस मकाम पे कैसे आई हूँ, अल्लाह ने मुझे पहुँचाया। इससे भी आगे आप बहुत आगे जाएंगी। और हमारी आज की जो आखिरी कंटेस्टेंट है इनका नाम है अलीजे, और सलोन बाय अलीजे इनके सलोन का नाम है, और ये मलीर 15 में इनका ये सलोन है। आज की तो मेरे पास सारी ब्यूटिशियंस बड़ी जबरदस्त हैं, बड़ी बाहिम्मत और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। अलीजे कब से सलोन चला रही है आप अपना? मुझे तकरीबन 5 ईयर्स हो गए सलोन चलाते हुए, और इस फील्ड में मैं तकरीबन 8 ईयर्स से हूँ। मतलब प्रैक्टिस भी की है, सीखा भी है, डिफरेंट जगह पे जॉब भी की है, तो तकरीबन अपना सलोन मेरा 5 ईयर हो गए। चलिए जबरदस्त। अच्छा जी, और आज सिर्फ मेकअप नहीं है, मेकअप के साथ बाल भी आपको बहुत जबरदस्त बनाने होंगे। और जो टास्क है, टास्क मैं आपको बता दूं कि टास्क ये है कि आज काशिफ लेकर आए हैं एक मायों की ब्राइट, आप उनको देखेंगे, उनका मेकअप ऑब्जर्व करेंगे, टाइम आपके पास लिमिटेड है, ठीक है, और आपने एग्जैक्टली वही मेकअप करना है अपनी इन मॉडल्स का। अच्छा मदिया, मैं एक बात कहना चाहूँगा तमाम कंटेस्टेंट से कि जो मेकअप है तो आप लोगों ने माइंड में ये रखना है कि जो हेयर स्टाइल बना हुआ है और जो आई मेकअप में कलर्स हैं या ब्लश ऑन है या लिप कलर है तो सेम एज इट इज वो वैसा ही हो, ठीक। और वैसे आप लोग अपने हिसाब से करते होंगे तो वो अच्छा ही करते होंगे, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिशन है और ये टास्क है तो क्योंकि आप अपना करते होंगे हो सकता है वो अच्छा लग रहा हो लेकिन स्क्रीन पे भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन जो टास्क है बेसिकली तमाम रंगों को आपने फोकस करना है, सेम एग्जैक्टली वही जो मेकअप आपके सामने यहाँ पर होगा। तो जो टास्क है, मैं चाहूंगी जरा टास्क तो यहाँ पे जरा चल कर आए ताकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली उन्हें मेकअप करना कैसे है। तो जनाब ये है आप तमाम ब्यूटिशियंस का असल टास्क। मैं जरा इनके स्टूल पे जरा बताती हूँ ताकि आराम से बैठ सकें आप, आराम से, ठीक है, आप आराम से बैठ जाओ।